बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज 25 अगस्त है और मुबारक दिन, जुमे का दिन 2023, 9 बादों 9 सफ़र और 1445 हिजरी और 880 पॉइंट्स मार्केट माइनस। आज हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प खबर ला रहे हैं। तो बहरहाल हम स्ट्रेट अवे पॉइंट को के ऊपर आते हैं और पॉइंट के ऊपर ये है कि आज हम आपको ज़रा सा उर्दू की एक पुरानी ज़र्ब अल मिसल है उस पर शुरू कर रहे हैं। वो ज़र्ब अल मिसल क्या है, वो आपने शायद वो इसका जो हमारे थंबनेल में देख लिया होगा कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ये है जी इसका सियाहो सबाक। तो ये किसके बारे में कह रहा हूँ, ये मैं कोटा उद्दू पावर कंपनी के बारे में कह रहा हूँ। और ये कह रहा हूँ कि 23 रुपये चले, थोड़ा सा हम जल्दी से बात कर लेते हैं, चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हम कुछ और बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत मैं कोटा उद्दू के बारे में बात कर दूँ। 23 रुपये 92 पैसे आज काफ़ी टूट के 8 पैसे नीचे आ गया। वॉल्यूम 7,54,563। और अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है, एक खबर आ रही है, वो खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि खबर इस तरह है कि जी वापडा और कैपको मिलके जड़ावाला में जाके घरों की मरम्मत, रिपेयर और नए घर बना के देंगे। तो इसके ऊपर जो वही मैंने शेयर पढ़ा था, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। बात यह है, थोड़ा सा मैं सख्त लैंग्वेज यूज करता हूँ, इसी लैंग्वेज की वजह से मैं फौज में ज्यादा तरक्की नहीं पा सका, क्योंकि मैं ठा में मुंह पे मारता हूँ और अभी भी मुंह पे बात कर रहा हूँ। बात यह है, कैपको का प्लांट बंद पड़ा है, टके के आमदन नहीं है। यहां जो भी इनके अफसराने बाला हैं, 20-25 हजार रुपए, लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, गाड़ियां देखे तो 2.5-3 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं और मजे से लाहौर में एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और घर वालों को भी खुश रखा हुआ है। तो सारा पैसा तो ये बैक टू बैक जो आपने एमओ रेट के ऊपर पैसा रखा हुआ है 70 अरब और फिर आपको मिला तो मेरे ख्याल 90 अरब जितना है, मैं छोड़े फाइनेंशियल्स में नहीं बोलता, चले एक 90 अरब हो गया, तो मतलब 1 अरब के करीब पहुंच रहे हैं ना। ये आपने एमओ रेट पर रख दिया, उसमें पैसे मिल रहे हैं, बैंक इनको दे रहा है, बैंक वाले भी इनकी मिन्नत करते हैं, ये भी दामाद बन के रहते हैं। जो CFO हैं वो तो जनाब इस तरह होते हैं कि जैसे कि वो तो दूल्हे मियाँ हैं बैंकों के लिए। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप CSR के तहत जाके जड़ा वाले में ये काम करने जा रहे हैं, तो भाई आप CSR अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? शेयर होल्डर्स को आपने तरसा कर रखा हुआ है, शेयर होल्डर्स को दे नहीं रहे, आपका ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर 80 रुपए से ऊपर है और इतना पैसा है आप झपीट के बैठे हुए, बल्कि उस पैसे पे आप सांप बन के बैठे हुए। खुदारा आप ये पैसा पहले अपने शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो 1 शेयर वाला हो, चाहे वो 1 लाख शेयर वाला हो, चाहे वो 10 लाख शेयर वाला, और उसके बाद जो कुछ करना करें। CSR करना है तो आप शेयर होल्डर्स का पैसा क्यों यूज कर रहे हैं? मैं भाई तब मानूं, तब जानूं और वाकई मैं इनके लिए एक सलूट भी मार दूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी चेयरमैन साहब जो हैं, इन्होंने अपने प्लाजे जो बनाए हुए हैं, गोरड़ा मोड़ पे खड़े किए हुए हैं, जो इन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी की हुई है, कराची में प्रॉपर्टी खड़ी की हुई है, ये इसको बेचते, ये प्रॉपर्टी बेच के जड़ा वाले वालों के लिए बनाते। ये तो सरकारी फंड से पैसे लेने हैं, इनकी जेब से कौन सा पैसा जा रहा है? इनकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा। और दूसरी चीज ये है कि जी 1 साल से ऊपर हो गया सजाद गनी साहब को वापडा का चेयरमैन और कैपको का चेयरमैन हुए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सजाद गनी साहब आपने कितनी दफा कैपको प्लांट का विजिट किया है? ज्यादातर वक्त तो आप अपने इस्लामाबाद
कि ऑफिस में जो आपके कैंप ऑफिस है बिल्कुल क्या कहते हैं हमारे कन्वेंशन सेंटर के साथ वहां बैठे रहते हैं, लॉर भी आप बहुत कम आते हैं, डिस्को के लाइन लॉसेज हो रहे हैं, लोगों के ऊपर बिल आ रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। काश वो आप वीडियो देख सके जहां लोग बिजली के बिलों पे खुदकुशियां कर रहे हैं और आप हैं कि बस गवर्नमेंट का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, कंपनी का पैसा लेके आप वहां जाके जड़ा वाले में सीएसआर कर रहे हैं। आफरीन होगी आप पे जब अपनी आप प्रॉपर्टियां बेचें और जाएं सीएसआर करें, हमारे पैसे से खुदा आप सीएसआर ना करें। और अगर आपने ये जो एफर्ट है सीएसआर की करनी है अपने पैसों से करें, अपनी जायदाद से करें, प्लीज शेयर होल्डर्स के पैसों को ना इस तरह जाया ना करें। कई लोग मेरी इस वीडियो को बहुत तनकीदी निगाह से देखेंगे, मगर मैं क्योंकि दिल जला हूं और मैं समझता हूं कि ये जो है ना हमारे जो कमाई है उसमें डाका है, तो इसे डाका नहीं डालने देंगे। हमारी आज की वीडियो कैसे लगी अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द आ रहे होंगे। वस्सलात वस्सलाम खातमुन नबीन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्योरिटी एंड फ्रेशनेस प्रिजर्व्ड इन एन ऑल न्यू ग्लास बॉटल। वाटर जस्ट गॉट बेटर। मुरे स्पार्कलेट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ मुरे ब्रूअरी।